हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है मेघालय पुलिस की तरफ से। बम्पर नंबर की वैकेंसी है और तरह तरह के सीट रहेंगे, सब इंस्पेक्टर, कॉन्स्टेबल, फायरमैन, देखिए इतने सारे पोस्ट के लिए ये वैकेंसी रहेगी। इसका जो अप्लाई डेट है फ्रेंड, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं टोटल पोस्ट क्या रहेगा। टोटल पोस्ट आपका 2968 है, मतलब कि 3000 के करीब आपका सीट रहेगा। इन सारे पोस्ट के लिए जो अप्लाई करने की तिथि है 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है एंड लास्ट डेट आपका 30 अप्रैल रहेगा। आपको 30 अप्रैल तक इंतजार नहीं करना, फॉर्म ऑनलाइन हो चुका है, जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई करते टाइम फी क्या लिया जाएगा, तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट से यहाँ पर 150 रुपया फी लिया जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर इससे रिलेटेड आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो तो मैंने अपलोड कर दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ पर भी चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो और डाउनलोड करके नोटिफिकेशन देख लेना। चलिए फिलहाल अभी हम देख लेते हैं कि किन किन पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आई है, कितना कितना सीट है और क्वालिफिकेशन क्या है। टोटल तो हमने जान लिया कि 3000 के करीब सीट है, जिसमें आपका यूबी सब इंस्पेक्टर के लिए 76 पोस्ट रहेगा। अब सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है तो क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। डजंट मैटर किस स्ट्रीम से किया है, सिर्फ अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो आप एलिजिबल रहोगे। यूबी कांस्टेबल के लिए 720 सीट है, 12th पास आउट बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फायरमैन के लिए 195 सीट है, इसके लिए भी 12th पास आउट आपकी एलिजिबिलिटी है। फिर है आपका ड्राइवर फायरमैन का 63 पोस्ट, 12th पास आउट इसका भी क्वालिफिकेशन है। फायरमैन मैकेनिक के लिए 26, आपका 12th पास आउट बच्चे अप्लाई करेंगे। MPRO ऑपरेटर के लिए 205 सीट है, 12th पास आउट इसका एलिजिबिलिटी है। सिग्नल या BN ऑपरेटर का 56 पोस्ट है, 12th पास आउट बच्चे इसके लिए अप्लाई करेंगे। अगला हमारा जो पोस्ट है AB कांस्टेबल, BN कांस्टेबल, MPRO, GD कांस्टेबल और कांस्टेबल हैंडीमैन का, इन सभी को मिला के टोटल 1494 सीट रहेगा। इसके लिए 9th पास यानी जिन्होंने 9वीं पास कर रखा है सभी बच्चे एलिजिबल रहेंगे। और लास्ट जो हमारा पोस्ट है कांस्टेबल ड्राइवर का, 143 सीट है, इसके लिए भी 9वीं पास बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अब इतना सारा पोस्ट है, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, सभी बच्चे समझिए कि जिन्होंने 9वीं पास की है, 12वीं पास की है और ग्रेजुएट, सबके लिए मौका है। चलिए आगे अब हम लोग देख लेते हैं कि एज की लिमिट क्या रहेगी। सबसे पहले तो ये जानिए कि किस डेट से एज का कैलकुलेशन होगा। एज ऑन 1st of January 2024, मतलब 1 जनवरी 2024 से आपका जो एज का कैलकुलेशन होगा। और सभी पोस्ट के लिए देखेंगे कि एज का क्या लिमिट है। UBSI यानी सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है उसके लिए 21 वर्ष से 37 वर्ष के सभी बच्चे एलिजिबल है। इसके अलावा बाकी जो भी पोस्ट है सबके लिए 18 वर्ष से 21 वर्ष के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। आपको पता है कि अपर एज में मिलता है रिलैक्सेशन, OBC को 3 ईयर्स का और SC ST को मिल जाएगा 5 ईयर्स का। यहाँ तक तो आपके सारे बेसिक डिटेल्स क्लियर हो गए होंगे। अब आगे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि सिलेक्शन की प्रोसेस इसके लिए क्या होगी। फ्रेंड, सिलेक्शन आपका बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले स्टेज पर आपका क्या होगा, फिजिकल होगा। फिजिकल पास करोगे तब आपका रिटन एग्जाम होगा, देन आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसी समय DV हो जाएगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टेज वाइज स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस को डिटेल में समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, पहले स्टेज पर जो आपका फिजिकल होगा, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए बताऊंगी। सबसे पहले होगा हाइट का मेजरमेंट। हाइट जो है मेल कैंडिडेट के लिए 162 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। वहीं पर जो SC ST कैंडिडेट है जो मेघालय से बिलोंग करते हैं, उसमें मेल कैंडिडेट का होना चाहिए 157 सेंटीमीटर और SC ST फ्रॉम मेघालय फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट की मेजरमेंट होगी। उसके बाद आपका क्या होगा, रनिंग का टेस्ट होगा। 5 किलोमीटर की रनिंग आपको 24 मिनट में कंप्लीट करनी है, ये मेल कैंडिडेट का है।
फीमेल्स के लिए 3 किलोमीटर्स की रनिंग होगी, उनको 19 मिनट में कंप्लीट करना है। और फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि यहाँ पर बता दिया है कि 5 किलोमीटर 24 मिनट में कंप्लीट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको मार्क्स मिलता है। वो सब आपको डिटेल में मिल जाएगा, नोटिफिकेशन में सारा कुछ मेंशन किया कि कितना मिनट आप दौड़ोगे, दौड़ कंप्लीट करोगे तो आपको कितना मार्क्स मिलेगा। तो वो सब आप अच्छे से डिटेल में एक बार पढ़ेंगे नोटिफिकेशन को। उसके बाद क्या है, आपका रिटन एग्जाम होता है। अभी आप देख रहे हैं इतना सारा पोस्ट है, तो सबके लिए ना 3 तरह का आपका एग्जाम पैटर्न है, वो भी आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। अब इस बोर्ड पे उतना पॉसिबल नहीं था कि तीनों तरह के पोस्ट का आपको बता पाओ, तो मोटा मोटी तौर पर ये देखा गया। देखिए सबका टाइमिंग थोड़ा सा अलग है, क्वेश्चन ज्यादा और कम पूछा जाएगा, लेवल अलग अलग होता है, लेकिन जो सब्जेक्ट है ना एग्जाम में, 4 सब्जेक्ट से ही मैंने देखा है कि तीनों तरह के एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछेगा, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल नॉलेज और इंग्लिश। अब मेघालय पुलिस का भर्ती है, तो मेघालय से रिलेटेड भी करंट अफेयर्स और जीके पढ़ के जाइएगा। और ये तो जनरली जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे वो सब तो ये 4 सब्जेक्ट पढ़ते ही होंगे, तो बस समझ लीजिए कि वैसा ही एग्जाम पैटर्न होगा। और जब आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो पर्सनल इंटरव्यू भी क्वालिफाई करना है, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, फिर मेघालय में आपको सर्व करने का मौका मिलेगा एज अ पुलिस। तो फिर सर्व करोगे तो क्या सैलरी मिलेगी, आइए मैं आपको बता देती हूँ। फ्रेंड्स UBSI यानी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए 37,800 रुपीज़, मतलब कि आपका 38,000 के करीब से शुरुआत होती है सैलरी की। आफ्टर पर्क्स अलाउंसेस 86,400, मतलब 87,000 रुपीज़ पर मंथ तक आपको सैलरी दी जाती है। बाकी जो भी पोस्ट है उसके लिए आपका 22,200 से शुरुआत होगा और बाद में बढ़ा के 52,400 रुपया कर दिया जाएगा। आई होप कि सारा कुछ इस पोस्ट के रिगार्डिंग आपको क्लियर हो गया होगा, सारे डाउट क्लियर होंगे। अब भी कुछ क्वेरीज है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, अदरवाइज तैयारी की स्पीड को कर लो बूस्ट, इतने सारे अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो यूजफुल लगा हो, तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग की नई जॉब की वैकेंसी आ गई है। और फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाइएगा, ताकि सारी नई नई जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।